आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मध्य प्रदेश की खास मिठाई, जिसे हम बहुत ही खूबसूरत एकदम अलग अंदाज में बना के तैयार करेंगे। पेड़ा मिठाई है ये, और मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस है। आजकल तो सभी लोग इसे बनाते हैं, पर इतनी ज़्यादा देखने में सुंदर बढ़िया लगती है कि मन करता है एक बार इस मिठाई को, अगर आपने इसे बना लिया ना तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी या फंक्शन पे ये चार चांद लगा देती है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुलायम, परफेक्ट सी बन के तैयार होती है। कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी चावल का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने मार्केट वाला चावल का आटा लिया है। कोशिश करिए आप भी अच्छे से महीन वाला चावल का आटे का ही इस्तेमाल करें, उससे जो मिठाई बनती है बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब हमें क्या करना है, धीमी आंच में इस चावल के आटे को भूंज लेना है। मतलब हमें इसका कलर भी नहीं चेंज करना है और बढ़िया से ये भूंज भी जाए। इस तरह से हम चलाते रहेंगे धीमी आंच में। इस मिठाई को अगर आपने आप आसपास के लोगों को खिला दिया ना, तो सब आपकी तारीफ करेंगे और आपसे इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी ये बन के तैयार होती है। और अब मैंने देखें क्या किया है, धीमी आंच में इस तरह से इसे चलाते हुए गरम कर लिया है। इसका हमने बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं किया है। और जैसे ही हमारा चावल के आटा हल्का सा भुंजा, तो मैंने इसमें एक चम्मच घी ऐड कर दिया। घी का फ्लेवर मिठाई में आता रहे, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और बस इसे इसी तरह से चलाना है, ताकि जो घी हमने डाला है आटे में अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाए और जो मिठाई बनाए बहुत ही बढ़िया बने, उसमें घी का भी हल्का सा फ्लेवर आए। तो देखें अब हमने इस घी को अच्छे से मिला लिया है और ये चावल का आटा अच्छे से तैयार हो गया है भूंज के। गैस को बंद करेंगे और इसे निकालेंगे। अब हम इसी पैन को फिर से ले लेंगे और क्या करेंगे, आधे कटोरी चीनी डालेंगे। जिस कटोरी के नाप से आप चावल का आटा लें, उसी कटोरी के नाप से आपको चीनी लेनी है। और चीनी जिस कटोरी से नापा है, उसी से हमने दूध भी नापा है। आधी कटोरी से थोड़ा सा ये ज़्यादा दूध था, तो लगभग आपको आधा कटोरी दूध लेना है मेजरमेंट के हिसाब से। और धीमी आंच में चीनी को हमें दूध में घोलना है। अब जो चीनी है ना, दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। इसी तरह से हमें अच्छे से चीनी को घोल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, बस चीनी जैसे ही आपकी घुलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि चीनी घुल गई है। तो इसमें 2 चम्मच या कप मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें पहले से नाप के रखा था मिल्क पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह घर की ताज़ी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी मिल्क पाउडर के गुल्ठे ना रहें। आप चाहें तो थोड़े से दूध में मिल्क पाउडर को घोल के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इस थोड़ा सा जैसे ही मिल्क पाउडर दूध में मिक्स होगा, तो जो चावल का आटा हमने भूंज के रखा है इसे ऐड करेंगे। इसे हम 2 बार में करके ऐड करेंगे इस तरीके से। जब हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो दोबारा बचा हुआ भी डाल देंगे। तो इस तरह से आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मिठाई बना पाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, दानेदार, एकदम मिठाई पेड़ा बनके तैयार होगी। कोई हलवा वगैरह नहीं होगी। मैं इसे पूरा आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे मैंने परफेक्ट इस मिठाई को बनाया है। बस आपको करना ये है कि आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है, और मिठाई तो हमारी अच्छी बननी ही है, क्योंकि इस मिठाई में चाशनी नहीं बनानी है। बिल्कुल परफेक्ट सी आप मिठाई बना ले जाओगे, और जिस किसी को भी आपने ये मिठाई खिला दी ना, वो आपकी तारीफ़ करता रहेगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी सी ये बन के तैयार होती है।
तो इस सुपर टेस्टी मिठाई को अब हमें क्या करना है, धीमी आंच में, देखें मैंने इसे भूंजा है 2 से 3 मिनट के लिए, और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, लास्ट में घी ऐड करने से हमारी मिठाई बहुत ही शाइनी सी बनेगी और घी का फ्लेवर भी मिठाई में भरपूर आएगा। तो इसे हमने लास्ट में मिक्स किया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम घी डालेंगे तो बहुत ही शाइनी सा ये मावा के जैसे आपको दिखने लगेगा और इस तरह से कंबाइंड सा होने लगेगा। एकदम परफेक्ट ये बनके तैयार हुआ है। लास्ट में आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए और अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लीजिए। और मैं इसे चेक करना भी बता दे रही हूँ आपको कि कैसे आप चेक करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट पेड़ा सेट होने के लिए डो तैयार है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम इसे चेक करेंगे। आप क्या करिए, कोई छोटी चम्मच ले लीजिए और थोड़ा सा इसे निकाल कर इस तरह से गोल करिए और देखें उंगलियों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, एकदम चिकना छोड़ दिया है, एकदम गोला सा हो रहा है। तो जैसे ही इस निकालेंगे वैसे ही हम इसे किसी बर्तन में पलट लेंगे। हल्का गर्म रहेगा तो हम इसके पेड़ा बर्फी बना के तैयार कर लेंगे, एकदम ठंडा नहीं करेंगे। तो बस अब हम पेड़ा बर्फी इसके बना के तैयार कर लेते हैं। इस पेड़े को आप जैसे चाहे डिजाइन दे सकते हैं और जैसे चाहे सजा सकते हैं। और देखें कितने बढ़िया पेड़े हमारे बन रहे हैं। थोड़े से ये पेड़े पे क्रैक सा पड़ता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे तो इस तरह से उंगलियों की सहायता से चिकना कर लें। और देखिए सारे पेड़े चिकने चिकने बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे आपको सजाने का नया तरीका भी बता देती हूँ, बिल्कुल यूनिक सा है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लिया है, जो खाने वाला कलर होता है ना मिठाई का, वही लिया है। आप केसर के धागे भी ले सकते हैं दूध में भिगो के, और इस तरह से एक ढक्कन लिया है, गोल ढक्कन बोतल वगैरह में निकलता है ना वही वाला ढक्कन, और इससे मैंने गोला गोला इस पर लगा दिया है। आप क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेंगे कटे हुए, मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया था और इसके ऊपर से इस तरीके से लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा उंगलियों से दबा दिया है ताकि ये चिपक जाए। साथ में मेरे पास थोड़ी सी गुलाब की पत्ती थी, इससे भी मिठाई बहुत ही अच्छी दिखती है सजाने पर। बिल्कुल यूनिक सा तरीका है ये मिठाई सजाने का, आप देखें। ऊपर से मैंने हल्का सा इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया है, बहुत ही टेस्टी यम्मी सी हमारी सॉफ्ट सी मिठाई बनके तैयार है।